हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचली कपल में। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता है अभी हम कहाँ है। हम है सच पास से नीचे, जहाँ पे दो चार ढाबे बने हुए हैं, वहाँ पे किया हमने लंच। और सच पास की जो जर्नी थी हमारी वो बहुत ही बढ़िया रही। बड़ी ही आसानी से हमारी गाड़ी निकल गई और हमारे साथ जो आइटम है वो भी बड़ी आसानी से निकल गई। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश। तो बारिश में जा रहे हैं किलाड़ की तरफ। हाँ, तो आज हम करने वाले हैं केलाड़ में कैंप और वहीं पे बनेगा हमारा डिनर और सब कुछ वीडियो में आपको लग जाएगा पता। और आगे देखो रोड, ये देखिए रोड बहुत खतरनाक है और ग्लेशियर तो यहाँ है ही है। हर मोड़ पे जहाँ पे नाला जैसा होता है वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर है। और जितना रोड जो सच पास के परली तरफ खराब था उससे ज्यादा खराब जो है इस तरफ है किलाड़ वाली साइड में। तो सामने देखिए कितना खतरनाक पहाड़ है, देखिए डेंजरस। और यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं, सड़कों पे गिरे हुए हैं। यहाँ से अगर नीचे देखोगे ना तो सीधा वहाँ देखिए एक और वाटरफॉल की तो कमी नहीं है। हाँ, जहाँ इतने ग्लेशियर हो वहाँ पे वाटरफॉल की कमी कैसे हो सकती है। बड़ा, बहुत बड़ा है ये भी यार। हाँ, ये देखिए सामने एकदम से हम वहाँ ऊपर से नीचे आ गए और वहाँ ऊपर से दिख रहा था ग्लेशियर नीचे, बिल्कुल खतरनाक डेंजरस वाला वहाँ पर देखो। और वो जो ग्लेशियर है ना उसके नीचे से पानी निकल रहा है, फुल स्पीड में निकल रहा है पानी, वो देखो सामने, खतरनाक वाली फीलिंग है। और देखो गाड़ियाँ कैसे चलती है यहाँ, ये देखो बड़े प्यार प्यार से आराम आराम से। और वो ऊपर से आए हम नीचे और अभी और नीचे जाएंगे। तो बस अब नीचे नीचे ही उतरते चले जा रहे हैं। बाकी रोड में जो कीचड़ था वो ख़त्म हो गया अब, और ऐसी कहीं कोई भी जगह नहीं आई जहाँ पर जो है गाड़ी का नीचे लगने का खतरा बहुत ज़्यादा था। मतलब बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी निकाली हो, ऐसी कोई जगह नहीं आई। तो मतलब ठीक रोड है ऑल्टो के लिए भी और i10 के लिए भी, बाकी सेडान का नहीं बोल सकते भाई, मुश्किल है। बर्फ में तो नामुमकिन है, आजकल के टाइम पे तो नामुमकिन है। वैसे ये वर्ल्ड में डेंजरस रोडों में भी काउंट होता है ये, वो किल्लड़ किश्तवाड़ वाला रोड, तो समझ लो वो भी वैसा ही है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन किस तरफ को जाता है वो रोड, सेम ऐसा ही है वो भी। तो देखिए एक वाटरफॉल ये रहा, सीधा गाड़ियों के ऊपर ही गिर रहा है ये, तो आवाज़ सुनना अगर गिरेगा तो। गिर गया, बारिश वाली आवाज़ आ गई थोड़ी सी, सीधा रोड पे गिर रहे हैं यहाँ वाटरफॉल। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा डाउनहिल है यहाँ पर। तो देखिए गाइज शॉट लिया मैंने अभी यहाँ से और गाड़ी छोड़ी वहाँ पर, तब जा कर के एक शॉट लिया यार। तो लाइक तो बनता है। सांस फूल गई भाई, ये देखो क्या मस्त वाटरफॉल है ये, बिल्कुल सीधा रोड पे नहीं गिर रहा है, रोड से सीधा नीचे गिर रहा है, बहुत ही शानदार वाटरफॉल के अंदर से गई गाड़ी अभी नीचे देखे। ओ हो, अरे भाई ये वाटरफॉल देखो, वहाँ से गिर रहा है और सीधा नीचे चला जा रहा है और वो ग्लेशियर अफ्लेक्ट है। अरे भाई खांसी खांसी लग गई क्योंकि वो हंगाड़ी के पास से दौड़ करके गया मैं ऊपर की तरफ। और क्या पहाड़ी है देखो, डेंजरस ऊपर, गाड़ी आ रही है वहाँ से। और नीचे देखो, ये देखो वाटरफॉल, ओह
क्या भयानक है ये, एक नंबर यार, मजा आ गया गाइस। तो आ चुके हैं गाड़ी में और चलते हैं अब आगे। वो देखो नीचे भी जिगजैग रोड दिख रहा है पूरा खतरनाक वाला, बस वहां पर पहुंचते फटाफट। सर गाड़ी में आ गई है कुछ दिक्कत, ये टायर जो है साउंड कर रहा है, कुछ लगने की आवाज़ आ रही है, जैसे डिस्क में कुछ लग रहा हो, कर 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 की आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं अब चलाते हैं गाड़ी को, फिर आपको सुनाता हूँ जरा कैसी साउंड आ रही है। ये देखो वैसे डिस्क के बीच में कुछ घुस गया है, जैसे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी साउंड है कुछ। तो यार वो आवाज़ तो आती चली जा रही है, कर की आवाज़ हो रही है, बड़ी धीमी धीमी सी, कभी बीच में जा भी रही है कभी आ भी रही है। तो लगता है डिस्क में कुछ फंस गया है या कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो बाकी और बाकी रोड देखिए कितना खतरनाक और कितना डेंजरस है, और यहाँ पर जो है सामने वाली पहाड़ियों में ग्रीनरी भी दिख रही है आपको। वो इतनी ज़्यादा स्लोप है यार यहाँ पर। जब हम सचपा परली साइड से आए थे ना, चंबा साइड से, तो इतना ज़्यादा चढ़ाई वाला एरिया नहीं था, तो यहाँ जो है स्लोप काफ़ी खतरनाक है। ये देखो और सामने देखो कितना ग्रीन ग्रीन है, और वहाँ से वो जो रास्ता दिख रहा है, देखिए वहाँ पर एक रास्ता दिख रहा होगा आप लोगों को। तो पहले ये रास्ता होता था सच पास के लिए, और सच पास से फिर नीचे तीसा वगैरह के लिए जाते थे लोग, चंबा वगैरह के लिए। तो ये ऐसे ही ये रास्ता, ये यहाँ से नीचे उतर रहा है, और पीछे जो ग्लेशियर वगैरह थे वहाँ से भी दिखता है ये रास्ता पूरा। तो ये पुराने रास्ते थे और अब जो है सड़क बन गई है, तो गाड़ियों में लोग जाते हैं अब। तो यार दिक्कत हो रही है कुछ तो गाड़ी में, ऊपर चेक किया हमने तो कुछ लगा नहीं, देखा भी नहीं कुछ, मैंने सोचा लकड़ लुकड़ घुस गया हो या कुछ। तो थोड़ा अंदर बैठ के थोड़ी सी आगे करो, ब्रेक तो अच्छी लग रही है, आवाज़ आ रही है बस, गर्म हो गया ब्रेक, इसीलिए लग रही ना, ब्रेक गर्म हो गया, ब्रेक तो लग रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है आजकल हमारी गाड़ी में, कोई ठोक के जा रहा है तो कोई कुछ होके तो रहा है गाड़ी को। तो थोड़ा सा रेस्ट दे दिया गाड़ी को, अब जो है दोबारा से कर रहे हैं कंटिन्यू। आवाज़ तो मेरे ख्याल वैसी रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें पत्थर वगैरह फंस गया होगा। बाकी वैली देखो आप यार सामने, कितनी सुंदर वैली है, और वो रास्ता देखो अभी भी कंटिन्यू है। ये देखो सामने से रास्ता जा रहा है, ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया यार, देखो क्या नज़ारा है इस वैली का। चलो आवाज़ तो वैसी है, मुझे लगता है उसमें कुछ फंस गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं देख लेंगे आगे जाके। ब्रेक तो अच्छी लग रही है। फाइनली गाइज हम पहुंच गए ऐसी जगह में जहां पर जो है पेड़ शुरू हो गए। तो ये देखिए देवदार के पेड़ है, जंगल जो है शुरू हो चुका है। वाह, मतलब अब हम बिल्कुल टाउन एरिया में पहुंच चुके हैं, और खिलाड़ के पास पहुंचने ही वाले अब हम लोग। बहुत बढ़िया व्यू है यार यहाँ भी। तो ये सामने देखिए दोस्तों, सामने दिख रहे होंगे रोड जिगजैग करके। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वहां पर, उस पॉइंट पर जहां से हमको पुल क्रॉस करना है और दूसरी तरफ जाना है। वो क्या रोड है यार यहां पर। अरे पक्का तो यहीं से आ गया जैसे। हाँ ये आ गया पक्का, लेकिन पुल भी वही है नीचे ही दिख रहा है ना, पक्का रोड। ये लो जी, हाय हाय हाय, एंट्री हो गई पक्के रोड में। चलो अच्छा था रोड तो, बढ़िया रहा। तो जी ये आ गया सामने पुल, बहुत लंबा है ये देखिए, पहले पुराना पुल भी था यहाँ तो। हाँ, परे वाला पतला ही, बस परे वाला जो है ये पुराने वाला है, और ये वाला नया है,
लेकिन नए की हालत भी खराब है। अरे उससे भी गाड़ी गाड़ी जाती होनी पता नहीं। हाँ शायद गाड़ी तो नहीं जाती होगी यार, पतला लग रहा है वो। पैदल चलने के लिए होगा वो पहले, अब तो यही है। अब होगी चढ़ाई शुरू। तो यार बढ़िया पक्का रोड आ गया, और देखो ये है चिनाब नदी। वाह यार क्या खतरनाक भाग रही है ये। तो सोचो ये स्पीति से बारालाचा से होते हुए उसका पानी यहाँ पहुँच रहा है, चंद्रभागा मिलके यहाँ पहुँच रही है। अरे भाई सामने देखो, ये किसने चढ़ाई करी ये दीवार? मैंने। हैं? कौन से राजा ने बनाया था ये महल? मैंने मैंने तो राजा है। तो देखो भाई ये यहाँ से ऐसे पूरा जैसे कि एक महल की दीवार, और इतनी बड़ी है ना ये, वाइड एंगल में भी पूरी नहीं आ रही है। मेन कैमरा तो मैं तो इसका बस बीच का हिस्सा आएगा छोटा सा। और हम आए इस और इस घाटी के बीच से, वहाँ पीछे से ऐसे 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 घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए नीचे नीचे था पुल, पुल से फिर ऐसे करके यहाँ तो पहुँच गए हैं। और वो ऊपर दिख रहा है खिलाड़ वहाँ पर उन पेड़ों के पीछे, ये देखो ब्लू ब्लू कलर के शायद होटल ही होंगे ये बड़े बड़े। तो बस वहीं पर जाना है। अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, और वो जो ऊपर टावर है उसके आसपास कहीं नीचे ही मतलब एक हेलीपैड है जहाँ पर कि मैंने देखा था कैंपिंग होती है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है, होती है नहीं होती है कैसे होता है। हमें तो थोड़ा पार्किंग स्पेस चाहिए गाड़ी में कैंप करने के लिए। तो वो आवाज़ तो अब चली गई है क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें पत्थर घुसा था। मैंने पहले ही बताया था आपको कि पत्थर या कुछ गया होगा। तो यहाँ थोड़ा सा पीछे ही उसमें थोड़ी सी तीखी आवाज़ आई और कट कट हुई दो तीन बार, और वो निकल गया। तो आवाज़ तो अब ठीक है, मतलब गाड़ी हो गई ओके अपनी, टेंशन फ्री। वो आ रही है बस, एक आ जाएगी क्या पता, ये वही जाएगी है। प्रेगा पुंटो, प्रेगा पुंटो जो लिखा था नीचे 8 किलोमीटर। तो गाइस वो देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से जाता है रोड जम्मू के लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, खिलाड़ 5 किलोमीटर, धरवास 10 किलोमीटर, सुराल 28 किलोमीटर, ये सब आगे हैं। धरवास, सुराल और सरार, ससारी नाला, पुंटो नीचे था। हाँ अभी नीचे है पुंटो, बगोड़ू, साच पास, चंबा, ये नीचे है। 172 है चंबा यहाँ से। तो वो देखो सामने का रोड कितना चौड़ा बन रहा है वो भाई, सच में ये है वो सबसे डेंजरस रोड, खिलाड़ टू किश्तवाड़ वाला रोड। हाँ लेकिन खुला बन रहा है अब तो ये बहुत। हाँ और ये है मनाली साइड को। हाँ अब सामने खिलाड़, खिलाड़ से फिर मनाली, उदयपुर होते हुए मनाली। वाओ कितना चौड़ा रोड आ गया है भाई, ये तो तांडी की तरह ना, तांडी उदयपुर में जैसा रोड है वैसा। मेरे ख्याल से ये वहाँ मनाली तांडी उदयपुर से होते हुए यहाँ खिलाड़ से होते हुए चंबा, मतलब जम्मू के जहाँ भी श्रीनगर तक जहाँ भी जाता है ये, वहाँ तक बनाने का प्लान होगा इसको कुछ, क्योंकि उस तरफ भी काम चला है ना। हाँ। तो आने वाले टाइम में तो फिर ये भी एडवेंचर खत्म हो जाएगा, बस एक सच पास बचेगा एडवेंचर के लिए, खिलाड़ किश्तवाड़ भी ऐसा बन जाएगा तो फिर तो मजे आ जाएंगे। ये है खिलाड़ पांगी वैली, इसकी हाइट है 8,545 फीट सी लेवल से। तो जो सच पास था वो था 14,000। हाँ। मतलब काफी नीचे आ गया, 14,500 था वो। ये है खिलाड़ का बस स्टैंड, ऊपर लगी है बस, देख सकते हो आप। अच्छा और बस स्टैंड भी बन गया वो। और ये पहुंच चुके हम मार्केट में, वैसे तो शुरुआत हो गई है। हाँ ऐसे लगती थी पहले बस से, अब बस स्टैंड बन रहा है। हाँ धीरे धीरे बन रहा होगा। तो हमें कहाँ जाना है पता नहीं, आगे जाना है हमें तो शायद। चलो चलते हैं, यहाँ देखो कितनी भीड़ है और कितनी बसें लगी है यहाँ। और मार्केट यहाँ पर ये पूरी है, आगे तक चलती जाएगी ये। और यहाँ पर चलान वाले भाई साहब भी कॉपी लेकर के खड़े ही है, पुलिस वाले। तो यहाँ होटल वगैरह भी काफ़ी हैं, देखो होटल होटल चामुंडा व्यू राज, काफ़ी होटल हैं। होम स्टे भी होंगे बहुत, क्योंकि अब तो काफ़ी फेमस है पांगी वैली, क्योंकि रोड जो है अच्छा है यहाँ से मनाली की तरफ का, तो वहाँ तांडी की तरफ से लोग बहुत आते हैं, बाइकर वगैरह भी। वाओ यार ये है असली सुंदर व्यू। और ये रोड जब मैं आया था 5-7 साल पहले तब भी ऐसा ही था, इतना ही खुला, और आज भी ऐसा ही है। मैं यहाँ देख के परेशान हो गया, अभी इतनी डेंजरस जगह से हम आए और यहाँ पर ऐसा रोड कैसे हो सकता है, जब मैं आया था ना फर्स्ट टाइम।
और ये भी ऐसे बना हुआ था पूरा, पांगी पुल मुख्य मुख्यालय के लिखा है ऊपर बोर्ड लगा, और ये सेम ऐसा बना हुआ था, शिमला की तरह फीलिंग आती है यहाँ थोड़ी थोड़ी। देखिए बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं पैदल किलाड़ का बाज़ार देखते हुए, और यहाँ से ही जाएंगे हम कल सुबह, यही रोड जाता है मनाली की तरफ, तो कुछ खाने पीने के लिए ले लेंगे आज। तो जी मार्केट से ले लिया हमने मटर मशरूम और इन्होंने ले लिया चिकन, तो आज बनेगा चिकन वो भी खतरनाक वाला, और साथ में बनेंगे मटर मशरूम। तो अभी जा रहे हैं ऊपर हेलीपैड की तरफ, तो मुझे याद नहीं है रोड कहाँ से है, चलो देखते हैं किसी से पूछ लेंगे, नहीं मिला तो। हेलीपैड में जो है कैंपिंग अलाउड है, करते हैं बहुत लोग, और हमने किसी एक बंदे से यहाँ पूछा, उसने बोला हाँ जी करते हैं, चले जाओ कोई टेंशन नहीं है। तो चलो फिर वहीं चलते हैं। ये रहा सामने वो रोड जिस रोड में हमने अभी जाना है हेलीपैड के पास, जहाँ पे आज हमने कैंप करना है। ये नीचे वाले से हम अभी आए और ये ऊपर भाई जी हेलीपैड के लिए रोड। अच्छा ये अंदर से अच्छा अच्छा तो बीच से है रोड, ऊपर ना ऊपर से ना नीचे से सीधा बीच से है, हमें लगा वो पार्किंग है ना, पार्किंग हाँ। तो है लेकिन बीच से रोड है हाँ। अच्छा ये एचआर गाड़ी ऊपर बसे और नीचे गाड़ियां, बीच से रोड हाँ। ये देखिए अरे वाह ये भी सही जुगाड़ है पार्किंग को पार्किंग और रोड को रोड रह गया। तो जी हम पहुंचने वाले हैं हेलीपैड में, यहाँ ऊपर है। रोड कंडीशन बीच बीच में बहुत खराब थी, खीर भी पड़ी हुई थी रोड पे कीचड़ था, पानी स्लश सब था, और थोड़ा सा ऊपर तो रोड अच्छा है और काफी स्टीप रोड है, और ये जस्ट समझो पहुंच ही गए इस मोड़ के बाद। तो जी एक लोकेशन में पहुंच गए, ये है हेलीपैड, बहुत बड़ा हेलीपैड है, और यहाँ पर देखो ये अपनी गाड़ियाँ लग गई है, बस यहीं पर हम कैंप करने वाले हैं। ये देखो क्या लोकेशन है आज की यार कैंप करने की, मज़ेदार, खूब मज़ा आने वाला है लगता है। और यहाँ पर टावर तो ऊपर ही है देखो, लेकिन सिग्नल वगैरह फुल है लेकिन नेट नहीं चल रहा है, तो शायद वीडियो तो फिर नहीं डाल पाएंगे हम। चलो फटाफट तिरपाल लाते हैं सबसे पहले, और तो नहीं तो काम नहीं होगा, बारिश लग रही है, मतलब काम नहीं हो पाएंगे बारिश लग रही है। ये देखिए ये लग गया अपना तिरपाल, और ये लगी एक पहली गाड़ी और दूसरी अब लग रही है, यहाँ जैसे लगाएंगे थोड़ा इन दोनों रस्सियों के बीच में, थोड़ा दूर हो गई थी। फाइनली गाइस अपना सेटअप हो गया है कैंपिंग का, तो यहाँ पर हो गया है काम शुरू, मटर छीले जा रहे हैं और प्याज का भी चला है काम तो बस मैं भी इनको धो लेता हूँ और काटता हूँ, फिर फटाफट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शायद ठंड या बढ़ जाएगी या फिर हवा बारिश कुछ भी हो सकता है, तो करते हैं फटाफट। तो भाई जी हाँ सब रेडी है, प्याज दे दो, टमाटर भी रेडी है और सब्जी भी रेडी है, लाल बटन दबा देना बस। और ये यहाँ पर जो है चिकन बन रहा है, ये देखो वाह। तो भाई जो चिकन नहीं देखता होगा वो देखे ना वीडियो, सीधी सी बात। बाकी देखो बहुत लोगों को बहुत शिकायत रहती है मेरे ब्लॉग में जो चिकन नहीं बनता ना, तो आज बन रहा है। तो जी चिकन तो रेडी हो गया ऑलमोस्ट, बस अब पकेगा ये सब कुछ, इसमें डाल के देखो एकदम लाजवाब बन गया है। और यहाँ पर दूसरा चूल्हा भी ऑन कर दिया है, अब बनेंगे मशरूम, तो भाई बोल रहे मशरूम भी मैं ही बनाऊँगा, तो चलो भाई के हाथ से खा लेंगे। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ पर, और अब जो देखो मौसम थोड़ा सा खुल गया है, और वाह क्या मौसम आया है यार। तो चलो आपको मैं एक टाइम लैप्स दिखाता हूँ यहाँ का, इन बादलों का सुंदर सुंदर। तो आप लोगों ने टाइम लैप्स देख लिया होगा, बहुत ही बढ़िया शानदार टाइम लैप्स बना था, और यहाँ उस टाइम बन रही थी हमारी सब्जी, तो मैं ये कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि आप लोगों को वो टाइम लैप्स दिखाना था, तो बहुत ही भयंकर टाइम लैप्स बना है वो। और ये देखो ये सब्जी बनी बहुत ही बढ़िया शानदार, देखो एकदम मस्त लग रही है, और वहाँ चिकन भी रेडी हो ही गया है। तो ये सब्जी बनाई है भाई ने, क्योंकि भाई को शौक है बहुत ज़्यादा कुकिंग का, तो हमें तो हाथ लगाने नहीं दे रहे हम तो बस कटिंग कर रहे हैं बस थोड़ी देर में हम खाना भी शुरू कर देंगे, और लाइट अभी काफ़ी है तो वीडियो शूट भी अच्छा हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर चल रहा है हमारा डिनर,
देखो मटर मशरूम और चावल है। और यहाँ पर जो है मशरूम थोड़े ठंडे हो गए थे, गर्म कर रहे हैं इनको। और बाकी कुकुन वहीं पर खा रही है और भाई भी यहीं मेरे साथ बैठकर ही खा रहे हैं। ये देखो ये भाई का चावल ले लिए और चिकन रेडी है, तो बस खाएंगे। हाँ बस खाएंगे और मजे करेंगे, बिल्कुल सो जाएंगे, सो जाते हैं फिर बिल्कुल। और अंधेरा जो है होना शुरू हो ही गया समझो, थोड़ी थोड़ी लाइट बची है। ये देखिए वहाँ पे दो डॉगी है, इन्हें जो मैंने अभी अभी चावल दिए और जो हड्डियाँ थी वो दे दी। बहुत क्यूट है, दोनों मिल बांट के खा रहे हैं, वरना ऐसे तो कुत्ते लड़ने लगते हैं खाते वक्त। हाँ मिल बांट के खा रहे दोनों। तो आज हम लोग ये सामान छोड़ रहे हैं बाहर ही, बाकी हमारा तरपाल भी ऐसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हवा है नहीं। और बस भाई का भी सेटअप हो ही चुका है, बस डिक्की बंद करनी है उन्होंने और पूरा सेटअप हमारा हो गया है। हमने भी अपना सामान ऊपर बांध दिया अच्छी तरह से, बंजी तो आपको पता ही है रह गई है तो इसी से बांध लिया अच्छे से। अब हवा और बारिश है नहीं ज़्यादा तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये देखो बेड अपना रेडी है पूरा। तो जी आ गए हम अपनी गाड़ी के अंदर और गाड़ी के शीशे हमने आज पूरे बंद ही रखे हैं क्योंकि अपनी गाड़ी में जो है ना यहाँ पर और यहाँ पर वेंटिलेशन है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और तो, डिग्गी भी हमारी, हाँ डिग्गी भी हमारी फ्रैक्चर हो गई तो उसमें से हवा वैसे ही आ रही है, उसमें जो है अलाइनमेंट बिगड़ गई है तो छेद पड़ गया है, धूल भी अंदर घुस रही है उसमें पूरी, कंबल वगैरह हमारे ख़राब हो गए थे तो हवा की तो टेंशन ही नहीं है वेंटिलेशन की। सच पास से जो है हम लोग पांगी पहुंच गए हैं, 2-3 वीडियो हमारी बनी टोटल, तो हमें जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी मुझे तो, क्योंकि ऑल्टो के साथ यहाँ पर पहुँचना और वो भी इतनी बर्फ़ में तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर एंड, कुक्कू तो सो गई है, उसकी आँख में लग रही है फ्लैशलाइट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब याद से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे यहाँ से पांगी से होते हुए मनाली की तरफ और कम से कम 3-4 दिन हमारा प्लान है रुकने का जिस्पा तक जाने का, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है, जो भी होगा देख लेंगे। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो को कर देते हैं एंड और मिलते हैं आपसे सुबह नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय।